उधर ब्लू व्हेल के खूनी खेल को उत्तराखंड में भी कई बच्चे खेल रहे हैं। पिछले दिनों मौत के खेल से पूरे देश में करीब 250 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। देहरादून में ब्लू व्हेल गेम खेल रही 12वीं की छात्रा को उस वक्त मौत के मुंह में जाने से बचा लिया जब छात्रा खूनी खेल के तीसरे स्टेज पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में जरूरी है कि परिजन अपने बच्चों पर नजर रखें, परिजन अपने बच्चों को समझें और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ बिताएं। क्यों ब्लू व्हेल से खूनी खेल से सावधानी ही आपके बच्चों को बचा सकती है। ब्लू व्हेल गेम साल 2013 में रूस के फिलिप बुडेकिन से बनाया गया था। हालांकि इस गेम की वजह से आत्महत्या का पहला मामला साल 2015 में सामने आया। इसके बाद गेम बनाने वाले फिलिप को जेल भेज दिया गया। भारत में जानलेवा इस गेम से आत्महत्या करने का पहला मामला मुंबई में सामने आया था, जहां 14 साल के बच्चे ने विनिंग टास्क पूरा करते हुए अपने घर की छत से छलांग लगा दी थी। ब्लू व्हेल गेम की तो ये बड़ा खतरनाक गेम है और इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस इज द बेस्ट फर्स्ट थिंग कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और स्कूल्स में अवेयरनेस हो, पेरेंट्स में अवेयरनेस हो, वो इसके प्रति अलर्ट रहे, अपने बच्चों को काउंसलिंग करें, ठीक है ना। जो बच्चा हल्का सा भी उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स दिखते हैं लाइफ के, उनको काउंसलिंग करें, उनके लगातार टच में बने रहें, ये मेरी उनको एडवाइस है। हमारे ये गेम जो है ये अगर आप देखें तो करीब 12 साल से लेकर के और 30 साल के जो यंगस्टर्स हैं जिनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और वो समाज में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और बहुत सारी समस्याएं बच्चों को होती हैं, तो ये गेम पूरा बच्चों को कंट्रोल कर रहा है और उन बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। लगभग 87% वो बच्चे हैं जो पेरेंट्स से बहुत दूर हैं, तो ये हिदायत सिर्फ पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों के बहुत पास रहें, बच्चों को समझें और बच्चों को बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल पे स्पेशली उनको देखें और उनको समझाएं, उनकी काउंसिल करें।